हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से पावनी का पहला, आई होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 8, तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। और मेरे ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरे को जाना है खेत में, वहाँ पे गेहूँ बो रहे हैं आज, मेरे को जाना है। मौसम आज कुछ इस तरह हो रहा है, तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बादल और थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी धूप भी आ रखी है, ज्यादा आ नहीं रखी है। तो दोस्तों, मैं आई हूँ खेत में है और मैं पस पिछन हूँ, फिर मैं बुनहन की हूँ, बगल में बुबू बुनान और तलगे सब बनान। तो मिलती हूँ आपको इसको फैलाने के बाद, पहले इसको फैलाते हैं। तो गोबर सारा डाल दिया है, देख सकते हो आप। वो भावना के पापा भी नीचे वाले खेत में बो रहे हैं और हरी को यहाँ पे बीज छड़ रहे हैं गेहूँ का। यहाँ पे तो डाल भी दिए हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ज्यादा नहीं दिख रहा होगा भी। तो थोड़ी जनम तेल, इसके बाद ऊपर से गेहूँ मतलब हल बाएंगे। दूसरी बार बाई जा हल बो रहे हैं, ऐसे फरकाया जाता है बैलों को। अभी फरकाएंगे, पहले गाय बोन हाबू, पहले माल, ये देखो बोना स्टार्ट कर दिया है, मतलब हल जोतना स्टार्ट कर दिया है। गेहूं तो डालते हैं नीचे पे, ऊपर से बोएंगे तो फिर गेहूं नीचे को जाएंगे। ये देखो हवशु, तो दोनों खेत में फोड़ दें डेल। अब हम जाते हैं घर को, चलेंगे आरती बचिंग फोड़िंग, फिर इधर को तो सारे फोड़ दिए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर को, जा लेके आ डलिया। आरती आई थी यहाँ पे गोबर फेंकने, डलिया अच्छा, तो मैं कुदाल भी लाई थी साथ में। सुधा रानी बाद में हूँ, उनका हूँ मैं लगाओगे। तो अब चलते हैं घर को, खूबसूरत खेत मैंने आपको दिखा दिए है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ खेत में से, अभी मैंने हैंड वर्क किए हैं। तो आपको दाल रख देते हैं गोट में, डेल वगैरह तो सब फोड़ दिए हैं। अमर लकड़ा वल्ला रखो हो ना, तो रखो हो कुटियल। तो मेरे को रोटी भी बनानी है, अभी नाश्ता हमने बनाया नहीं, अभी आटा ही गूंद रही थी तो फोन आ गया था, मैं सीधी चलेगी गोट। तो अब मैं रोटी बनाती हूँ, काफी तेज धूप भी आई है, अभी बच चुका है 10:30 दिन के, तो नाश्ता भी बनाते हैं अब। तो बने रहिए ब्लॉग में, अब मैं जाती हूँ अंदर रोटी बनाती हूँ। अम्मा ने भी नहीं खाया अभी तक, अम्मा भी मेरा ही वेट कर रही है क्योंकि मैंने बनाया नहीं, अम्मा खाएगी कहाँ से। तो मैं बनाती हूँ, तो मिलती हूँ रोटी खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद। तो दोस्तों, अभी मैं बैठी हूँ धूप में, तो कपड़े तो मैंने धो दिए हैं। अम्मा दे पूजी खीर, और आज अंकु लोगों की दे पूजी थी ऊपर पे, और हमारे पहाड़ों में से रीति रिवाज होती है, सबको देते हैं। ये रही खीर और पूरी, अब इसको खाएंगे। हेलो अम्मा, जोरल का हेलो तो दोस्तों, हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं पारायण में, आगे भी चल रहे हैं लक्ष्मी, निशा और आरती। हाँ चले गए, आ जा तू भी। तो आज पारायण है वहाँ पे, अभी तो बच चुके हैं 2, तो वहाँ पे पारायण पे तो लेक से ही होगा खाना। हेलो लक्ष्मी, कहाँ जा रही है, रुको क्या हुआ। हेलो, ये है लक्ष्मी। तो हम पहुँच चुके हैं चमखेत, ऊपर पे 2 बंदर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी एंड निशा बाफिला। तो आज हमें इनाम मिलने वाला है, आरती तो बहुत ही खुश हो रही है, अब खेल खत्म हो गए। तो आज पारायण है, सबको इनवाइट किया है, वैसे ज्यादा लोग तो आए नहीं, बट हमें अपना इनाम भी लेना था, हम भी आ गए। और लक्ष्मी निशा हमारे साथ ही, तो वो भी आए हुए हैं, पीछे आ रहे। हेलो, ये है इसको मिलने वाला आज 1000 का नोट, जो बन हो चुका है, जो बन हो चुका है। तो मिलते हैं आज सीधे वहीं पहुंच के, बहुत थकान भी लग रही है चलने में, हो सके कहीं वहां जाने तक हमारा खाना आना सब फिनिश ना हो। तो हम भी जाते हैं, तो मिलते हैं वहाँ,
पहुंच के बने रही ब्लॉग में। तो हम पहुंच गए, अभी चल रही आरती। आते आते की कान में दर्द चुकी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बैठ रहे इनाम, अभी हमारी बारी नहीं आई है, नंबरिंग चल रही है शायद। तो ये पावनिधि और आरती को मिल रहा है इनाम। यो लक्ष्मी। तो प्रसादी हमें मिल गई यहाँ पे, इनाम भी मिल चुका है 2200 रुपए। तो प्रसादी घर के लिए भी है, ये रही मेरा। अभी नीचे पे सब लोग खाना खा रहे हैं, तो अभी हम भी बैठने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खाना बांटते हुए सब लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे बना था खाना, विशो रसोई, विशो का नाम। तो थाली मिल चुकी है, दे दे। अब लक्ष्मी की बारी है, तो खीर बांटते हुए बाबू जी। हाँ सब्जी है, तेरे पास क्या नहीं है? छोले छोले भाई। अब इसके लिए ला दो पूरी खीर। बस लक्ष्मी बच रखी है, और खीर भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। मुझे एक लक्ष्मी को नहीं मिला है, रहने दे, अब रहने दे, कोई बात नहीं। तो ये रहा खाना, खीर, छोले एंड सब्जी, गडेर और लाई सब्जी देना है और पूरी। तो हम बैठे हैं खाने के लिए। हेलो लक्ष्मी। हेलो। अभी इसको मिलानी है। हेलो। अभी तक खाना नहीं मिला है, सुबह से भूख लगी है बेचारी को। मिलने वाला है थोड़ी देर में। तो खाना हमारा हो गया है, हम जा रहे हैं घर। तो अब हम जा रहे हैं घर को, अब बज चुके हैं शाम के 5, तो काफी शाम भी हो चुकी है। चलो हम जा रहे हैं उड़न खटोले में। और ये बोले उड़न खटोले में जा रहे हैं, लकड़ी जा रहे हैं हम अभी गाना स्टेशन। तो थोड़े से नीचे से है बस गामस क्यों कर दिया हल्ला। नहीं मत बोल, हल्ला मत कर। तो अब हम जा रहे हैं घर को, और शाम भी होने वाली है। तो आप देख सकते हो हिमालय धूप पहुंच चुकी है, फिर तो अंधेरा ही हो जाता है। धूप घाम पूज गयो, हिमाल हिमालन पूज गयो घाम। तो मुझे हो रहा है ठंडा, तो मैं डांस करती हूँ। लक्ष्मी बोल रही मेरे को ठंडा, अगर वो नीचे बोल लिया, अगर रामलीला होती तो हम यही रहते। बस रामलीला फिनिश हो चुकी है, और आज पारायण भी हो गया है, यज्ञ हो गया, जो बहुत बड़ा यज्ञ राम भगवान जी का वहाँ पे होता है, तो वो हो चुका है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आप चलते बनते हैं। दिखाना अपना इनाम, कितने मिले हैं बताना। 1065 रुपये इसको मिले हैं, ये देखो। और मेरे को मिले हैं 2295 रुपये, और मेरे को मिले हैं 15 रुपये। ये 15 रुपये मेरे हैं, बट ये देखिए। तो चलते चलते आरती गिर चुकी है, और हम पहुंचे हैं चमखेत। तो पूरा अंधेरा भी हो चुका है, अब ब्लॉग एंड भी करते हैं। यहाँ पे थोड़ी घासे वाली होती है, तो इसमें जूते फिसल जाते हैं, रपट्टा मारते हैं। तो काफी शाम हो गया, घर पहुंचने तक तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सब लोग भलरिया और पावनी पहलन शॉर्ट्स वाले चैनल ले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय देव भूमि उत्तराखंड।